अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा खान रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी। तो तुरई की सब्जी तो आपने काफी बनाई होगी घर में, तो आज मैं आपको ऐसी तुरई की सब्जी बनाना बताऊंगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फ्रेंड्स, एकदम मसालेदार चटपटी जो है हम आज तुरई की सब्जी बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगा, मसालेदार बनाएंगे, इंशाल्लाह मजा ही आ जाएगा आपको। दो की जगह आप 6 रोटी खाना पसंद करेंगे। बच्चे भी जो है बहुत मजा ले लेके ये सब्जियां खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तुरई की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आज की हमारी रेसिपी तुरई की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स क्या करा है, तुरई को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका जो छिलका उसको रिमूव कर लिया है। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हम तुरई को काटेंगे। तो मैं फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको तुरई को कट करना है। तो इस सब्जी में हम तुरई थोड़ी सी मोटी रखेंगे और इस सब्जी में फ्रेंड्स आपको इसी तरह के तुरई काटना है। थोड़ा मोटा मोटा काटिएगा, एकदम पतला मत काटिएगा, तो क्या होगी ना, वो घुल जाएगी बिल्कुल। तो थोड़ा मोटा रखेंगे तो बाद में बनने के बाद इसी तरह के सब्जी जो है वो दिखने में अच्छी भी लगेगी और खाने में भी टेस्ट बढ़िया आता है। तो इस तरह से जो है सारी तुरई को हम काट लेंगे। सारी तुरई मैंने काट कर एक साइड में रख दी। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई रख देंगे। 2 बड़े चम्मच हमें यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, तेज गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक प्याज ले लिया है, प्याज को बारीक काटेंगे और इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। इस तरह से चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च जो कि मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया, इसको रफली चॉप कर लेना है और इसको ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छा से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी प्याज है और हरी मिर्चें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, कलर चेंज हो गया है। फ्रेंड्स अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट, और इसको भी अच्छा सा हमें भून लेना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से भून गया, बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है। मैंने अब एक यहाँ पर बड़ा साइज़ का टमाटर जिसको मैंने अच्छे से जो है मिक्सी के जार में इसको मैंने पीस लिया है, अगर आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते, और इसको भी फ्रेंड्स हम अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ बेसिक मसाले जो कि डेली हम खाने में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून डाल देंगे हम नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और हल्दी पाउडर यहाँ पर मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ यानी कि 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे भूनने तक इसको, मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है, पकाना है। देखिए जैसे ऊपर इस पर सरफेस पे तेल आने लगेगा, अच्छे से भून जाएगा मसाला, तब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी डिश में और एकदम मार्केट जैसी लगती है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने कसूरी मेथी डाल, डायरेक्ट ऐसे ही डाल दी, इसको मैंने बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करा है। और अब यहाँ पर मैंने जो कटी हुई हमारी रखी थी तुरई, तो तुरई सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर बर्तन जो है मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो अच्छे से आप लोग भी बहुत केयरफुली इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और तुरई और सारी जो हमारे मसाले हैं वो एक हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें पानी डालना है। तो फ्रेंड्स तुरई जो है काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो यहाँ पर पानी आपको बहुत कम यूज़ करना है। तो मैंने एक बड़ा ग्लास पानी ऐड लिया था, तो मैंने आधा ही ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ आधा ग्लास पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और फिर से कहूँगी, पानी ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि तुरई की सब्ज़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो एक लगभग चाय वाले कप से 1 कप पानी डालें या फिर आधा ग्लास पानी डालें, इतना ही जो है बस इनफ होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसको हम तुरई को जो है अच्छे से भुनने तक जो है पका लेंगे। और देखिए लगभग 5 से 6 मिनट लगे थे, अच्छे से तुरई की जो सब्ज़ी है मेरी अच्छे से भुन गई है। देखिए तेल ऊपर आ गया है और खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी आ रही थी क्योंकि हमने इसमें डाली थी कसूरी मेथी। अब ऊपर से कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, मज़ा ही आ गया था खाने में। तो आप लोग जो है इस तुरई के सीज़न में इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ अलग और कुछ नया अगर बनाना चाहते हैं तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्लेटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे मेरे नए हैं तो बस आप लोगों से फ्रेंड्स यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए ताकि आने वाली सारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है, अपडेट्स हैं, आपको मिलती रहें और इसी तरह से सारी जो मेरी रेसिपीज़ हैं उसको आप इन्जॉय कर सकें।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करना बनता है। और फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं कटता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, और नई नई इस तरह से रेसिपीज़ जो है अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ खा कर मैं बता रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह करके खा लीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी थी, तो बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह की अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमेशा दुआ में याद रखिएगा।